तहसील मुख्यालय में लगभग 20 किलोमीटर दूर गांव भूज में वन विभाग की जमीन पर राजस्थान से आए काल बेलिया समाज के कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। जब गांव के लोगों ने इसकी शिकायत वन विभाग की दी तो वन विभाग की टीम ने उन्हें वहां से हटने के लिए कुछ समय दिया था, लेकिन वह लोग वहां से नहीं हटे। इस कारण आज पुलिस विभाग की टीम एवं वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर संयुक्त कार्यवाही करते हुए काल बेलिया समाज के लोगों के से कब्जा हटाकर वन विभाग की जमीन को मुक्त कराया। जब वन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भूज में एक्चुअल में भूज में जो वन क्षेत्र की जो भूमि वन मंडल जो बेस्कान है उनकी जो भूमि थी जिन पर काल बेलिया समाज के लोगों के द्वारा करीबन 5 फैमिली थी वहाँ पर उनके द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके वहाँ पे वो रहना चालू कर दिया था और धीरे धीरे उन्होंने कब्जा स्टार्ट कर दिया था। तो वन रेंजर द्वारा बताया गया लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने खाली नहीं किया। उसके बाद में फिर जो रेंजर साहब है लोवंशी जी उन्होंने उनको 8 दिन का समय दिया खाली करने के लिए लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने खाली नहीं किया। तो आज फिर उनके द्वारा पुलिस फोर्स की सहायता के द्वारा उनसे जाके और जगह खाली करवाई गई। सूचना मिली थी कि बीट भूज के कक्ष क्रमांक 451 में कुछ कालवेलियों द्वारा वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास करके टपरे अस्थायी रूप से बना ली गई थी जिसे वन विभाग पुलिस विभाग और जो लोकल पीपल उनके सहायता से अतिक्रमण के प्रयास को पूरी तरह से विफल कर दिया है। अतिक्रमण का सर कहाँ के लोग थे? ये लोग ये बाहर के थे, राजस्थान में मंडी साइड के थे। वो अस्थायी रूप से घूमते फिरते रहते हैं, कालवेलिया जाते भी थे, वो घूमते रहते हैं तो वो राजस्थान मंडी तरफ से आए। सर ऐसे और कहीं अन्य जगह आपको सूचना मिली? अभी सूचना तो अभी नहीं मिली है, जैसे कुछ मिलेगा रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख असाक की रिपोर्ट।